जैस्मिन वसीन और अली गोनी फाइनली आपस में मिल गए बिग बॉस सीजन 14 के घर में। वहीं एजाज खान जो कि हैं कैप्टन, उसके बावजूद एक और कैप्टनसी टास्क कल के बिग बॉस के एपिसोड में देखा गया। मैं हूं लता शर्मा, चलिए मैं आपको बताती हूं कि बिग बॉस सीजन 14 के घर में कल क्या हुआ। दरअसल शो की शुरुआत हुई जहाँ निकी तांबोली राहुल वैद्य से बात करने की कोशिश कर रही है, उनसे सॉरी कह रही है, उनसे कह रही है कि सारी चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क में निकी तांबोली कुछ अनफेयर गेम खेल गई। उसके बाद राहुल वैद्य जो है वो हर्ट हो गए और वो रोने लगे, जिसके बाद से राहुल उनसे बात नहीं कर रहे थे और निकी जो है उनसे बात करने की ट्राई कर रही हैं। कल के एपिसोड में ये देखा गया। वहीं ये भी देखा गया कि पवित्र पुनिया और एजाज खान के बीच में जो दरार आ चुकी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कल के एपिसोड में उन दोनों की जो अंदर की भड़ास थी वो निकल गई। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एजाज खान जैसे कि कैप्टन है तो वो जान कुमार सानू को बोल रहे थे कि आप ये काम कीजिए, और फिर पवित्र पुनिया को भी उन्होंने कुछ काम दिया, लेकिन पवित्र ने कहा कि वो उनकी नहीं बात मानेंगी। उसके बाद एजाज कहते हैं कि वो कैप्टन है और वो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उसके बाद पवित्र उनसे आर्ग्यू करती है, उन्हें कहती है कि वो कैप्टन पवित्र की वजह से बने हैं, पवित्र ने उन्हें पुश किया, पवित्र उन्होंने हेल्प किया, इस वजह से एजाज खान आज कैप्टन है। उसके बाद एजाज खान ने पवित्र से कहा कि वो ऐसी बातें नहीं कर सकती क्योंकि वो अपनी मेहनत से कैप्टन बने हैं, लेकिन पवित्र पुनिया ने उनसे कह दिया कि वो एहसान फरामोश है, वो गिरगिट है, क्योंकि उन्होंने उन्हें हेल्प नहीं की, नॉमिनेशन टास्क में उनको सेव नहीं किया। वहीं पवित्र कल फिर से डिस्टर्ब हो गई, कल फिर से रोने लगी, ये कहकर कि वो अपना 100% देती हैं हर चीज़ में, और उन्होंने 100% दिया एजाज खान को, उनके रिश्ते को, लेकिन एजाज खान ने उनका दिल तोड़ दिया। वहीं कल के एपिसोड में सबसे बेस्ट पार्ट ये हुआ कि अली गोनी ने एंट्री ली घर के बिग बॉस सीजन 14 के घर में। वहां जैस्मिन वसीम भी है और जैस्मिन वसीम उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। हालांकि कोविड-19 इस पेंडेमिक के चलते बिग बॉस के घर में एक ग्लास वाले रूम में उन्हें रखा गया है अली गोनी को, जहां वो फिजिकली कनेक्ट नहीं हो सकते लोगों से, सिर्फ फोन पर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैस्मिन और अली एक दूसरे से बात करने शुरू कर दिए। वहां पर अली उनसे कहते हैं कि जैस्मिन काफ़ी अच्छा गेम खेल रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही हैं और वो इस मुकाम पर आने के बाद फिर से नहीं हट सकती, उन्हें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। वहीं वो एजाज से भी कल बात करते हुए नजर आए, जहां वो कहते हैं कि उनकी जो अंदर की बातें हैं वो पवित्र पुनिया को बता दें और बातें क्लियर कर दें, लेकिन एजाज खान अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि वो किसी को भी अपनी बातें नहीं बताने वाले हैं और किसी को एक्सप्लेन या रीजनिंग नहीं देने वाले हैं। कल के एपिसोड में कैप्टनसी टास्क देखा गया, और इस कैप्टनसी टास्क में कुछ ऐसा था कि बिग बॉस बने थे सोलार सिस्टम और सारे घर वाले थे ऑर्बिट। उस टास्क में जो ग्रीन कंटेस्टेंट्स थे वो थे प्लैनेट्स, और जो रेड जोन वाले थे वो थे ऑर्बिट्स, यानी कि उन्हें ग्रीन जोन वालों को उस सोलार सिस्टम से, उस बजर से खुद को सर्कल रखना है, खुद को बचा के रखना है और गिरना नहीं है, और जो रेड जोन वाले कंटेस्टेंट्स हैं वो उन्हें गिराने की कोशिश करेंगे, अगर वो गिर गए तो वो उस कैप्टनसी टास्क से आउट हो जाते हैं। लेकिन इस गेम को मॉडरेट करने के लिए राहुल वैद्य और नैना सिंह को रखा गया, जहां वो दोनों मॉडरेट करते हैं और देखते हैं कि कौन इस गेम में टिकता है और कौन गिरता है। वेल, इसके बाद क्या होता है ये तो आज के आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। सो बिग बॉस सीजन 14 की सारी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। इस वीडियो को करें लाइक शेयर, इस चैनल को करें सब्सक्राइब।